हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्रिस्टल माइक्रोफोन। क्रिस्टल माइक्रोफोन में क्या होता है, क्रिस्टल का यूज़ होता है। क्रिस्टल कुछ स्पेशल क्रिस्टल ऐसे होते हैं जो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के प्रिंसिपल पे काम करते हैं। पीजो इलेक्ट्रिक प्रिंसिपल क्या है ये अपन देख लेते हैं। पीजो इलेक्ट्रिक ये इफेक्ट क्या है, जब मैकेनिकल प्रेशर क्रिस्टल पे अप्लाइड करते हैं, मैकेनिकल प्रेशर जब क्रिस्टल पे अप्लाइड करते हैं तो क्या होता है कि क्रिस्टल के अपोजिट फेस पे पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होता है। मैकेनिकल प्रेशर डालने से क्रिस्टल, कुछ क्रिस्टल पे जब मैकेनिकल प्रेशर डालते हैं तो उसके जो अपोजिट फेस है क्रिस्टल के, उसके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। जब मैकेनिकल रूप से अपन दबाव डालते हैं क्रिस्टल पे तो क्या होता है कि क्रिस्टल के कुछ पार्ट पे चार्ज क्रिएट होता है, चार्ज क्रिएट होता है, और अपन बोल सकते हैं कि, या फिर अपोजिट फेस पे अपन बोल सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, प्रोड्यूस होता है। तो मैकेनिकल दबाव डालेंगे जब क्रिस्टल के ऊपर तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, या अपन बोल सकते हैं कि मैकेनिकल प्रेशर से वोल्टेज मिलेगा अपन को। ये जो गुणधर्म होता है ये होते, उनका एग्जांपल है क्वार्ट्स है, रोशेल साल्ट है, सेरेमिक है, और भी बहुत सारे क्रिस्टल होते हैं। यहाँ पे क्वार्ट्स ये दो तीन उदाहरण है, क्वार्ट्स, रोशेल साल्ट, सेरेमिक, ये ऐसे क्रिस्टल होते हैं जो पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पे काम करते हैं। इसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। यहाँ पे क्रिस्टल यूनिट का यूज़ किया हुआ है। क्रिस्टल यूनिट क्या है, क्रिस्टल को कट करते हैं, क्रिस्टल को ऐसा कट करते हैं कि उनकी स्लाइस बन जाती है, उसके कुछ एक्सिस होते हैं, उस एक्सिस को ऐसे इस प्रकार से कट करते हैं कि उसकी स्लाइस बनती है। स्लाइस, क्रिस्टल की जो स्लाइस होती है उस स्लाइस को इंसुलेटिंग होल्डर में रखते हैं, और डायफ्राम को, ये जो डायफ्राम है उसको, ये क्रिस्टल यूनिट हो गई, और डायफ्राम को पुश रॉड की सहायता से, पुश रॉड यहाँ लगा हुआ है, डायफ्राम से अटैच्ड है, उस पुश रॉड को क्रिस्टल यूनिट से अटैच कर देते। तो डायफ्राम क्रिस्टल यूनिट के बीच में पुश रॉड लगी हुई है, तो जैसे ही डायफ्राम के ऊपर दबाव डालेगा तो वो किसके ऊपर दबाव डालेगा, कह सकते हैं हम क्रिस्टल के ऊपर दबाव डालेगा, क्योंकि पुश रॉड कनेक्ट है, डायफ्राम से अटैच है और क्रिस्टल यूनिट से भी लगी हुई है, ये अटैच है डायफ्राम से, ये स्प्रिंग लगी हुई है, डायफ्राम एल्यूमिनियम का बना है, और ये सपोर्टिंग है, इंसुलेटिंग ये सपोर्टिंग है, और यहाँ से क्रिस्टल यूनिट के यहाँ से आउटपुट टर्मिनल लिए हुए हैं। ये इसकी वर्किंग देख लेते हैं। जब साउंड वेव इसके डायफ्राम के ऊपर स्ट्राइक करेगी तो साउंड वेव का यहाँ पे दबाव डालेगा, साउंड वेव जब स्ट्राइक करेंगे तो डायफ्राम के ऊपर दबाव पड़ेगा, तो डायफ्राम के ऊपर दबाव पड़ेगा तो डायफ्राम पुश रॉड से कनेक्ट है क्रिस्टल से, तो क्रिस्टल के ऊपर भी दबाव पड़ेगा। क्रिस्टल के ऊपर दबाव पड़ने से क्रिस्टल क्या हो जाएगी, डीफॉर्म हो जाएगी, क्रिस्टल डीफॉर्म होगा, या क्रिस्टल का अपन कह सकते हैं विरूपण होगा, क्रिस्टल की आकृति बिगड़ेगी, इसका विरूपण होगा क्रिस्टल के ऊपर दबाव पड़ने से। तो क्या होगा, चार्ज प्रोड्यूस होगा, चार्ज प्रोड्यूस होगा, या अपन कह सकते हैं कि अपोजिट फेस पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, प्रोड्यूस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अपोजिट फेस पे बनेगा तो उसको अपन कह सकते हैं कि यहाँ पे अपन को वोल्टेज आउटपुट टर्मिनल पे क्या मिलेगा, वोल्टेज मिलेगा। जैसे जैसे साउंड वेव का दबाव जिस हिसाब से उसके ऊपर जिस प्रेशर होगा उस प्रेशर के अकॉर्डिंग यहाँ पे वोल्टेज बनेगा, तो अपन कह सकते हैं कि साउंड वेव किस में कन्वर्ट हो गई, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। तो साउंड वेव का जो साउंड वेव में जब स्ट्राइक करेगी तो साउंड वेव में दो चीज़ें होती है, कंप्रेशन होता है और रेयरफेक्शन होता है। कंप्रेशन के टाइम इसके उसके ऊपर दबाव डलेगा क्रिस्टल के ऊपर, क्रिस्टल के डायफ्राम के ऊपर दबाव डालने से क्रिस्टल के ऊपर दबाव डालेगा तो क्रिस्टल क्या होगा, कंप्रेस हो जाएगा, और रेयरफेक्शन के टाइम क्रिस्टल क्या हो जाएगा, एक्सटेंड हो जाएगा। कंप्रेशन के टाइम क्रिस्टल कंप्रेस होगा और रेयरफेक्शन के टाइम क्रिस्टल एक्सटेंड हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि जैसे जैसे मैकेनिकल प्रेशर साउंड वेव का होगा उस हिसाब से यहाँ पे वेरिंग पोटेंशियल डिफरेंस, उस हिसाब से पोटेंशियल डिफरेंस बनता जाएगा। तो जैसे जैसे साउंड वेव का दबाव है, जैसे जैसे साउंड वेव का प्रेशर है, उस हिसाब से पोटेंशियल डिफरेंस भी उस हिसाब से बनता जाएगा। तो कह सकते हैं कि साउंड वेव का किस में कन्वर्ट होगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। यही है इसकी वर्किंग। यहाँ पर इसकी एप्लीकेशन देख लेते हैं। इसकी एप्लीकेशन आती है होम रिकॉर्डिंग सिस्टम में और मोबाइल कम्युनिकेशन में। यहाँ पर दो एप्लीकेशन लिखी हुई है, होम रिकॉर्डिंग सिस्टम और मोबाइल कम्युनिकेशन में। तो होम रिकॉर्डिंग सिस्टम और मोबाइल कम्युनिकेशन में ये क्रिस्टल माइक्रोफोन का यूज़ होता है। थैंक यू।